नमस्कार, देव भदानी ब्लॉग्स में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पंजी रसगुल्ला। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 लीटर दूध और ये है 6 लीटर का पानी, जो कि मेरे यहाँ हलवाई की दुकान में आसानी से अवेलेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर छेने बनाने के लिए 6 लीटर का पानी यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप नींबू का रस या फिर विनेगर से भी छेने बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गैस पर चढ़ाते हैं। तो मैंने दूध को उबलने के लिए चढ़ा दिए गैस पर। इसका उबाल आने तक हम इसका वेट करते हैं। तो दूध को चढ़ाने के बाद इसे चलाते रहें ताकि आपका दूध तले में ना लगे और उबाल आने का वेट करें। तो देखिए मेरे दूध में बिल्कुल अच्छे तरह से उबाल आ चुके हैं। अब इसे इसका फ्लेम आप बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। डायरेक्ट दूध उबलने के बाद आप अपना छेना बिल्कुल ना फाड़ें, नहीं तो आपका छेना बिल्कुल सख्त हो जाएगा। और हमें रसगुल्ला बनाना है, उसके लिए हमें छेने को नरम रखना है, सख्त नहीं बनाना है। ठंडा करने के लिए दूध इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए ठंडा करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने काउ मिल्क का यूज किया है। आपके पास जो भी पैकेट का दूध, डेयरी का दूध, जो भी आपके पास हो उसका आप रसगुल्ला आराम से बना सकते हैं। काउ मिल्क में थोड़ा फैट कम होता है, इसलिए हमने इसे काउ मिल्क का यूज करके ही रसगुल्ला बना रहे हैं। तो देखिए मेरा दूध अब हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम छेने का पानी ऐड करेंगे। तो छेने का पानी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा दूध उठाएं, इसमें छेने का पानी ऐड करें और इस तरह से डालें। एक बार सारा पानी ऐड ना करें, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं ऐड करें ताकि मेरा छेना बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। तो देखिए मेरे छेने बिल्कुल अच्छे तरह से फट चुके हैं, इसका पानी और छेना अलग हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। छेने को निकालने के लिए हमने यहाँ पे भगोना के ऊपर एक जाली रख दिए हैं। अब जाली के ऊपर एक कॉटन कपड़ा रख देंगे। अब कॉटन कपड़ा में ही अच्छे से छाने, सारा पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब इसे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए मेरे पानी बिल्कुल अच्छे तरह से निकल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडे पानी ऐड कर देंगे ताकि मेरा छेना जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आप विनेगर या नींबू से भी फाड़ेंगे तो आप इसी तरह से पानी से जरूर वाश करें एक बार, ठंडे ठंडे पानी से, ताकि उसका खट्टापन नींबू का और विनेगर का आपका छेना से बाहर निकल जाए। तो देखिए इसी तरह से इसे हम छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए ताकि मेरा पानी बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। और अगर भी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, जब ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे हम प्रेस कर करके सारा पानी बाहर निकाल देंगे। तो मेरा ठंडा हो गया मेरा छेना, इसे हम लोग पानी निकाल लेंगे बाहर, जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसका पानी हम प्रेस करके सारा बाहर निकाल देंगे। पूरा पानी बाहर नहीं निकालना है, हल्का पानी इसमें रहने देना है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इसे अच्छी तरह से मस लेंगे। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है, इसे हाथों की सहायता से, हथेलियों से इस तरह से मसल मसल कर इसे बिल्कुल चिकना करना है। इसी तरह से देखिए हम पहले पूरे को 8 से 10 मिनट तक चिकना करेंगे। इसे हमने प्लेटफॉर्म पर निकाल लिया है ताकि मेरा जो ये छेना है बिल्कुल आसानी से चिकना हो सके। इसे अच्छे तरह से मसल मसल कर हम चिकना आराम से कर सके। तो मेरे मसलते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मुझे 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज करना है। आप अरारोट अगर आपके पास है तो अरारोट यूज कर सकते हैं। इसे भी अच्छे तरह से मिक्स करके 2 से 4 मिनट तक और मसलना है ताकि मेरा कॉर्नफ्लावर छेना में अच्छे तरह से मिल जाए। तो देखिए मेरे छेने बिल्कुल अच्छे तरह से चिकने हो गए हैं। इसी तरह से एक एक ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा तो आपका छेना भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ और इसका मैं लोई बना बना कर इसका छेने का रसगुल्ले का आकार दूंगी। तो रसगुल्ले बनाने के लिए इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिए हैं चाशनी बनाने के लिए। तो देखिए चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी देंगे और इसी से हम 4 कप पानी देंगे। 1 कप चीनी दीजिएगा और 4 कप पानी दीजिएगा तो आपका चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी पतली होती है तो अच्छे से बनेगी। अगर आप गाढ़ी बनाइएगा रसगुल्ले की चाशनी को तो फिर आपके रसगुल्ले अंदर से पकेंगे नहीं, ऊपर से बिल्कुल फूल जाएंगे। इधर हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस को मीडियम आंच कर दे। अब इधर मेरा चाशनी बनेगा, तब तक हम इधर
इसका डो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसे हम काटेंगे पेड़े का काट के और गोल गोल राउंड राउंड शेप दे देंगे इसे बिल्कुल अच्छे तरह से हथेलियों पर मसल मसल कर। इस तरह से देखिए बिल्कुल चिकना बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से देखिए हथेलियों पर रखकर इसी तरह से राउंड राउंड कर बिल्कुल चिकना आकार बना लें। देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे डो को मैंने बनाकर अच्छे तरह से रेडी कर लूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे रसगुल्ले के बॉल रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेरा चाशनी में भी उबाल आ रहा है। मेरे चाशनी में बिल्कुल अच्छे तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब हम एक एक करके रसगुल्ला इसमें ऐड करेंगे। एक बार सारा ना ऐड करें, एक एक करके ऐड करें। एक बार सारा ऐड करने से जो चाशनी बबल्स दिख रहे हैं ना वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और ये चाशनी भी ठंडी हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक करके ऐड करेंगे अच्छे तरह से ताकि मेरी चाशनी में उबाल बनी रहे। रसगुल्ले के लिए बहुत जरूरी है ये कि उबाल रसगुल्ले में बिल्कुल आती रहनी चाहिए। सारे रसगुल्ले इसमें हम ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर हम रिट्ठे का पानी इसे इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच। रिट्ठे को हमने तोड़ करके उसका बीज निकाल लिए हैं और गर्म पानी में फुला लिए हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने से क्या होता है कि इसमें झाग है वो बनी रहती है। इसे 1 से 2 चम्मच ही डालें और इसे पकाएं। इसे अभी टच ना करें रसगुल्ले को, 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकने दें बिना टच किए हुए। तो देखिए मेरे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ऐसे हल्के हल्के हाथों से चलाइए और उसके बाद रसगुल्ले को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से चलाइए, जहाँ जहाँ आपका स्पेस खाली है वहाँ पे। अब इसे हम आँच को मीडियम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके 10 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं रसगुल्ले को कवर हटा कर देखती हूँ मेरे रसगुल्ले हुए हैं कि नहीं। मेरे रसगुल्ले बिल्कुल साइज में डबल हो गए हैं और यहाँ पर इसकी चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसके ऊपर ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद फिर से मैं इसे कवर कर दूंगी। अब आवाज को बिल्कुल हाई कर लें और 5 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही पकने दें। तो देखिए मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं कवर हटा रही हूँ। देखिए अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे रसगुल्ले हुए हैं या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले एक बॉल में देखिए बिल्कुल लग रहे हैं कि हो गए, लेकिन फिर भी मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने एक बॉल में यहाँ पर चिल्ड वाटर रखे हैं और चिल्ड वाटर में मुझे चेक करना है कि हुए हैं कि नहीं। अब इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। मेरे रसगुल्ले अगर नीचे तले पर आ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो देखिए मेरे रसगुल्ले बिल्कुल तले में बैठ चुकी है। तो ये है कि आपका रसगुल्ला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल और स्पॉन्जी बना है। इसी तरह इसमें हम ऐड कर देंगे और सारे रसगुल्लों को मैं उसी चिल्ड वाटर में निकालूंगी। गैस का फ्लेम अभी बंद नहीं करना है, मुझे गैस का फ्लेम चालू ही रखना है। अब एक एक करके सारे रसगुल्ले को निकाल कर चिल्ड वाटर में डालना है। इसे एक एक करके ही निकालें क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। ज़्यादा निकालेंगे एक बार तो आपके रसगुल्ले टूट भी सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे रसगुल्ले को इस चिल्ड वाटर में निकाल लिए हैं। चिल्ड वाटर में निकालने का ये कारण है कि मेरी कुकिंग इसमें बंद हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा कुक हो जाएगा मेरा रसगुल्ला तो ऊपर से हार्ड हो जाएगा, और चिल्ड वाटर में निकाल दिए हैं तो मेरा कुक वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए तो इसे मीठा करने के लिए इसमें पानी में डाल देने से क्या होता है कि मेरे मिठास बिल्कुल रसगुल्ले कम जाती है। इसे मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने चाशनी को उसी चाशनी को गाढ़ा होने के लिए चढ़ा दिया है। ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद हम इस चाशनी को ठंडे हो जाने के बाद रसगुल्ले में ऐड करेंगे। रसगुल्ले को 1 से 1.5 घंटा तक और रहने देते हैं इसमें। तो देखिए मेरे रसगुल्ले के 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं। इसे मैंने दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी था। तो पानी से निकाल कर इसमें ऐड करेंगे जो मीठा शुगर जो मैंने बनाया था शुगर सिरप उसे, ताकि मेरे रसगुल्ले बहुत ही मीठे हो जाए। तो इस रसगुल्ले को देखिए मैं एक सर्व करके दिखाती हूँ किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। यहाँ देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी सारे रस गिर रहे हैं। अगर इसमें हम डाल देंगे देखिए बिल्कुल गोल हो गए। तो बिल्कुल मेरा परफेक्ट रसगुल्ला बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह से रसगुल्ला बनाने के लिए आप लोग एक बार घर में जरूर ट्राई करें परफेक्ट रसगुल्ला के लिए। अगर मेरे चैनल को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो रसगुल्ले की रेसिपी एक और आप लोग घर में जरूर ट्राई करें और रसगुल्ले कैसे बनकर तैयार हुए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।